हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल। थ्री एंजल में लकी पॉमिस्ट्री से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम भाग्य रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा भी हाथ की रेखाओं में महत्वपूर्ण जानकारियाँ छुपी होती हैं। और जो इंसान है वो भाग्य रेखा के बारे में बहुत ही जानने के लिए उत्सुक रहता है और बहुत ही खुश रहता है। भाग्य रेखा मनुष्य के सांसारिक जीवन से संबंध रखती है। जातक अपने भाग्य और भविष्य के बारे में जानने को सबसे ज़्यादा उत्सुक रहता है। भाग्य रेखा मनुष्य के सांसारिक जीवन, भौतिक सुखों और जातक को सफलता प्राप्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन लोग उसके जीवन को प्रभावित करेंगे, उसके प्रभाव शुभ होंगे या अशुभ होंगे, जातक के जीवन पथ पे किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, ये सभी चीज़ें जो हैं जातक के जीवन की वृत्ति कैसी होगी, व्यवहार कैसा होगा, उसका भाग्य कैसा होगा, ये सभी जानकारियां हमें भाग्य रेखा के द्वारा प्राप्त होती हैं। भाग्य रेखा निम्न स्थानों से आरंभ होती है। जीवन रेखा से, मणिबंध रेखा से, चंद्र रेखा से, हथेली के मध्य भाग से। अगर हम भाग्य रेखा का अगर विचार करते हैं, अगर ये रेखा जो एकदम स्पष्ट और एकदम साफ सुथरी होती है, तो इंसान का जो भाग्य होता है, भविष्य होता है, वो बहुत ही उज्जवल होता है और उसको बहुत ही नेम, फेम, सक्सेस मिलता है। वो भाग्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है और अपने भाग्य के साथ साथ वो अपने कर्म पर विश्वास करता है। वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म करने के साथ वो अपना भाग्य भी और भी अधिक उज्जवल बनाता है, सफल बनाता है। इसी तरह अगर हम चंद्र रेखा से अगर भाग्य रेखा निकलती है, तो वो दूसरे के रुचियों को, इच्छाओं का ख्याल रखता है, उनकी देखभाल करता है और सबकी भावनाओं का कद्र करता है। अगर ये रेखा मणिबंध रेखा से आरंभ होकर और सीधी अपने गंतव्य स्थान शनि के क्षेत्र तक पहुंच जाए, तो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही सक्सेस इंसान बनता है। वो उसको सफलता मिलती चली जाती है, वो अपने जीवन में बहुत ही सुखी आनंद से रहता है और वो जिस काम को करता है उसमें सफलता ही सफलता मिलती है, सक्सेस ही मिलती है उनको। ऐसे जीवन रेखा के जो बगल से निकलती है भाग्य रेखा, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंसान को तीव्र बुद्धि वाला बनाती है, भाग्य वाला बनाती है, भाग्यशाली बनाती है और बहुत ज़्यादा लकी भी इंसान को बनाती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो होते हैं जिसके में भाग्य रेखा बहुत ही सुदृढ़ होती है, एकदम सीधी और बिना कटी पिटी होती है, वो जातक जो हैं अपने जीवन में बहुत ही हर क्षेत्र में सक्सेस हो रहते हैं, सफल रहते हैं, बशर्ते अपने सोच समझ से, अपने दिमाग से, अपने हार्ड वर्क से बहुत ही आगे जाते हैं और अपना जीवन जो है बहुत ही खुशियों से और आनंद से और बहुत चतुराई से अपना जीवन यापन करते हैं और अपने भाग्य को और भी अधिक सुदृढ़ और भी अधिक सफल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सफलता इंसान को बहुत तेज़ी से मिलती है, उसका जीवन जो है सक्सेस रहता है।